हेलो गाइस, मैं हूं सनीर। आप देख रहे हैं मोटो फ्यूल और आज अपन देखने वाले हैं हुंडई की कैस्पर। जी हां गाइस, इससे पहले टाटा की जो है पंच देखने को मिली थी रिसेंटली, जो है इसके टीजर्स अनवील होना चालू हुए और अब जो है एक और माइक्रो एसयूवी जो है इंडियन सेगमेंट में मिलने वाले। आई थिंक जो है अब जो 2021 है 2022 है कॉम्पैक्ट एसयूवी से हट के जो है माइक्रो एसयूवीज पे फोकस रहेगा, क्योंकि सारे ब्रांड्स जो है जल्दी लाने वाले। तो आज जो देखने वाले अपन हुंडई की कैस्पर, और अगर आप इसको थोड़ा बहुत कंपेयर करें टाटा की पंच से तो आपको जो है किसका वेट करना चाहिए। तो पंच जो है थोड़ा सा नाम इसका ख़राब हो गया था, बट हुंडई का जो कैस्पर है X1 के बाद जो है चेंज हुआ है तो ये तो ठीक लग रहा है थोड़ा सा। और हुंडई के कैस्पर की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। इंडिया में कौन से इंजन्स मिलने वाले हैं, अगर आप जो है पंच को देखना चाहते हैं तो आपको किस रीज़न से पंच को देखना चाहिए, किस रीज़न से जो है कैस्पर को देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इसका लुक्स देख लेते हैं। लुक्स की बात करें तो देखिए, बिल्कुल आपको वेन्यू का एक छोटा अवतार देखने को मिल रहा है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल बॉक्सी डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसको ये माइक्रो एसयूवी से सेल करेंगे तो बॉक्सी डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाले हैं इन सारी कैटेगरीज की गाड़ियों में। तो इसमें भी आपको जो है बॉक्सी डिज़ाइन देखने को मिलता है। ऊपर जो है आपको DRL दिखता है, नीचे भी जो है जहाँ हेडलैम्प्स है तो वहाँ पर भी आपको एक राउंड शेप्ड का जो है DRL यूनिट देखने को मिलता है, जो कि इससे पहले भी जो स्पाइड हुई थी तो उसमें भी जो इतना समझ में आ गया था कि राउंड शेप्ड का जो है आपको DRL देखने को मिलता है। ग्रिल जो है बिल्कुल सेंट्रो स्टाइल का जो इनका लग रहा है, सिंगल ग्रिल और उसी में जो है आपको हेडलाइट इंस्टॉल्ड। तो मेरे को तो अगर कंपेयर करें पंच ज़्यादा बेटर देखने में लग रही है, लेकिन फिर भी इसमें भी आपको जो है ऊपर 2 DRL देखने को मिलती है, फिर जो है हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, फिर उसके ऊपर जो है आपको एक DRL रिंग देखने को मिलता है, देन नीचे जो है आपको रिफ्लेक्टर्स या फॉग लाइट्स जो है इसमें आप देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी जो है टाटा पंच टाइप जो है 3 यूनिट जो है डिवाइडेड है लाइट्स की। उसके बाद साइड में बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रही है वेन्यू से, तो आपको थोड़ी बहुत क्लैडिंग देखने को मिलती है, टाटा पंच जितनी नहीं लेकिन आपको छोटी छोटी सी जो है क्लैडिंग देखने को मिलती है। और जो उसके व्हील्स हैं ये बहुत ही यूनिक व्हील्स हैं, कुछ आपको जो उसमें कैप्सूल शेप्ड के जो है डिज़ाइंस देखने को मिल जाते हैं। ए पिलर जो है ब्लैक आउट है, रूफ रिल्स देखने को मिल जाते हैं। रियर में आप आते हैं तो यहाँ भी आपको जो है बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि होंगे राउंड शेप्ड के। तो बिल्कुल सिमिलर थीम जो है आगे से पीछे तक आपको देखने को मिलती है। एक चीज़ यूनिक इसमें ये लग रही है कि इसमें आपको सनरूफ दिख रहा है। जी हाँ गाइस, सनरूफ आपको देखने को मिल जाता है। इंडियन वेरिएंट में आता है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको सनरूफ, शार्क फिन एंटेना और रूफ रिल्स। तो सनरूफ और शार्क फिन एंटेना जो है टाटा पंच में मिसिंग थी, बट यहाँ पे दिख रही है। रियर वाइपर भी दिख रहा है, नीचे आपको डिफ्यूज़र भी दिख रहा है, और जो है आपको कैस्पर की बैजिंग दिख जाती है। तो ओवरऑल बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है आपको जो है वेन्यू से इंस्पायर्ड इसका डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि क्लैडिंग्स भी जो है थोड़ी सी अग्रेसिव करी है, लेकिन बिल्कुल जो है वेन्यू जैसा शेप आपको इसको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं साइज और डायमेंशन की। देखिए, टीजर देख के तो ऐसा लगता है जैसे आप देखिए बिल्कुल मिनी हैरियर लगती है टाटा पंच, और उसके बाद जो है आप हुंडई की कैस्पर देखेंगे तो इसमें भी आपको फील आएगा यार बड़ी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन जी नहीं गाइस, डायमेंशन इनके कम है। डायमेंशन मैं भी आपको मेंशन कर दूंगा, लेकिन डायमेंशन इनके कम होंगे। आप जो इसको कंपेयर करें, अगर आप करंट टाइम पे देखते होंगे एस्प्रेसो वगैरह या इग्निस को, तो इनका साइजेस जो है इसी के अराउंड आपको जो है ये गाड़ियाँ मिलने वाली है। और माइक्रो एसयूवी आई थिंक जो है ट्रेंड होने वाला है इस साल। तो चलिए मैं आपको इसके डायमेंशन बता देता हूँ। तो हुंडई कैस्पर में जो आपको लेंथ मिलती है 3595 mm की आपको जो है इसमें लेंथ मिल जाती है, जैसे मैंने कहा कम होगी। विड्थ की बात करें तो 1595 mm की विड्थ आपको मिल जाती है। हाइट की बात करें तो 1575 mm की आपको जो है इसमें हाइट भी मिल जाती है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो अराउंड जो है 170-180 mm की आपको जो है इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस भी देखने को मिल जाएगी। अब गाइस इंजन की बात करें, देखिए जहाँ कोरियन मार्केट में ये अनवील करेगी वहाँ तो बड़ा अच्छा इंजन मिला, इसमें आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, 76 PS का जो है पावर प्रोड्यूस करती है, और आपको जो इसमें 4 स्पीड का जो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसा इंडियन मार्केट में नहीं होगा। इंडियन मार्केट में आपको देखिए जो करेंटली अभी सेंट्रो मिलता है 1.1 लीटर वाला 69 PS वाला पेट्रोल इंजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड, हुंडई का सबसे फेवरेट इंजन जो सालों से i20 से लेके सभी गाड़ियों में देखने को मिलता है वो है गाइस 1.2 लीटर का इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, और वो भी जो है लगभग 84 PS के अराउंड जो है पावर प्रोड्यूस करता है और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो यही इंजन आपको देखने को मिलेंगे, और आई थिंक जो है 1 लीटर टर्बो भी इसमें ये दे देंगे, क्योंकि जब इन्हें नियोस में दे दिया है हुंडई ने तो इसमें भी आपको जो है 1 लीटर टर्बो इंजन मिल जाएगा, और इतनी
छोटी गाड़ी में 1 लीटर टर्बो पैपी बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये 1 लीटर टर्बो भी इसमें अगर मिल जाता है तो बहुत फन टू ड्राइव ये कार हो जाएगी। तो ये इंजन ऑप्शंस जो है इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इस इंटीरियर में आते हैं तो इंटीरियर में क्या फीचर्स आपको ऑफर हो सकते हैं। देखिए 10 इंचेस का एक टच स्क्रीन मिलने वाला है ये पता चला है। उसके बाद जो है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको जो है ब्लू लिंक जो है हुंडई का खुद का वो भी दे देंगे। एसी की बात करें तो देखिए ऑटो क्लाइमेट ऑब्वियसली मिलने वाला है। रियर एसी वेंट्स आई थिंक इसमें नहीं मिलेंगे, काफ़ी छोटी गाड़ी है। बाकी 4 पीपल्स के लिए जो है काफ़ी कंफर्ट होने वाली है। 1 लीटर बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे, चिल्ड ग्लव हाउस मिल जाएगा, ऑटो डिम आई थिंक दे सकते हैं। तो देखिए मिनिमम फीचर्स जो इस कैटेगरी में आपको मिलते हैं वो तो मिलेंगी, और उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है एयर प्योरीफायर वगैरह ये सब जो है ऑफर करती है हुंडई, तो ये सब भी आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी एसेसरीज भी ऑफर करी जाएगी। तो यही था गाइस मैक्सिमम डिटेल्स मैंने कवर करी हुंडई कैस्पर की अभी तक जो आई, और इसका जो कंपैरिजन करेंगे अपन टाटा की पंच से। तो वीडियो अभी तक आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।